पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कूलम का नियम और अप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक तथा बिमी सूत्र। अब हम पढ़ेंगे कि रेखी और जो पहले पार्ट में हमने आपको पढ़ाया धन परीक्षण आवेश, वो धन परीक्षण आवेश की परिभाषा, क्योंकि वहाँ बताना भूल गए थे तो इस वीडियो में आप पढ़ सकते हैं कि धन परीक्षण आवेश क्या है, रेखी आवेश क्या है, क्षेत्रीय और आयतन आवेश घनत्व। तो घनत्व भी हम इसी में पढ़ाएंगे आप लोगों को, आसानी से आप पढ़ेंगे और बड़े हिसाब से। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं बात करता हूँ धन परीक्षण आवेश की। परीक्षण आवेश क्या होता है? तो धन परीक्षण आवेश की हम लोग बात करेंगे। धन परीक्षण आवेश क्या है? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम बताते हैं कि वह आवेश जिसकी केवल हम कल्पना कर लेते हैं, केवल कल्पना कर लेते हैं अर्थात इमेजिनेशन चार्ज, काल्पनिक आवेश ही धन परीक्षण आवेश कहलाता है। रियल आवेश नहीं होता है ये, केवल कैसा होता है, काल्पनिक आवेश होता है, और काल्पनिक आवेश को ही हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं, ये रियल आवेश नहीं होता है। मैं डेफिनेशन भी लिखे दे रहा हूँ कि वह आवेश जो काल्पनिक होता है वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, धन परीक्षण आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं इसका मात्रक कूलाम होता है। तो सबसे पहले आप परिभाषा को एक बार फिर से देखेंगे कि वह आवेश जो काल्पनिक होता है वास्तविक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी कूलाम होता है। आप केवल इतना ध्यान रखेंगे जहां भी परीक्षण आवेश की बात आ जाए, वहां परीक्षण की जब भी बात आती है तो समझ लेना वो काल्पनिक है, कल्पना की गई, उसकी इमेजिनेशन की गई है, वो वास्तविक नहीं है, केवल उसकी हमने कल्पना कर ली है। तो ये आपका है धन परीक्षण आवेश। अब मैं बात करता हूं कि आवेश घनत्व की, कि आवेश घनत्व कौन कौन से होते हैं। तो आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक रेखी आवेश घनत्व, नंबर एक रेखी आवेश घनत्व, नंबर दो क्षेत्रीय आवेश घनत्व अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व, और नंबर तीन आयतन आवेश घनत्व। तो तीनों की आज हम आपको परिभाषा और संकेतांक तथा मात्रक पढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि आवेश घनत्व, तो आवेश घनत्व की डेफिनेशन परिभाषा क्या है सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो परिभाषा यह है कि आवेश किसी क्षेत्र के साथ जिस मान की निष्पत्ति में रहता है वह उसका घनत्व अर्थात आवेश घनत्व कहलाता है। आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक रेखी आवेश घनत्व, रेखी आवेश घनत्व। नंबर दो पृष्ठीय आवेश घनत्व, नंबर तीन आयतन आवेश घनत्व। ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन।
रेखीय आवेश घनत्व लाइनियर इलेक्ट्रिक डेंसिटी चार्ज, तो आपका ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व तो है, इसको हमेशा लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हमेशा सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और आयतन आवेश घनत्व को हमेशा रो से प्रदर्शित किया जाता है। अब तीनों की परिभाषा एक बार मैं फिर से आवेश घनत्व की परिभाषा बताता हूँ कि एकांक मात्रा के साथ जहाँ आवेश उपस्थित रहता है वह उसका आवेश घनत्व कहलाता है। अर्थात किसी एक निश्चित मात्रा के साथ आवेश का जो अनुपात रहता है वह उसका आवेश घनत्व कहलाता है। आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है, नंबर एक रेखीय आवेश घनत्व, नंबर दो पृष्ठीय आवेश घनत्व और नंबर तीन आयतन आवेश घनत्व। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व की। रेखीय आवेश घनत्व लाइनियर चार्ज डेंसिटी, तो लाइनियर चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो सीधी सी परिभाषा इसकी सबसे पहले हम आपको बताते हैं शॉर्ट अक्षरों में कि किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति कूलाम होता है, कूलाम प्रति मीटर होता है। यहाँ मिस्टेक होगी थोड़ी सी, तो फिर से परिभाषा के द्वारा हम आपको फिर समझाते हैं कि किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। तो देखेंगे परिभाषा में लिखे भी दे रहा हूँ कि किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। ये आपका बनके तैयार हो गया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मान लें कि कोई चालक ये है और इसकी लंबाई मान लेते हैं कि L है, इसमें उपस्थित आवेश हमारा Q है। तो एकांक लंबाई की जब भी बात करेंगे तो रेखीय आवेश बराबर आवेश घनत्व बराबर कुल आवेश बट्टे कुल लंबाई, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू कुल आवेश क्यू अपॉन लंबाई एल, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्यू का मात्रक होता है कूलाम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो आपका मात्रक बनके तैयार हो गया कूलाम प्रति मीटर। अब नंबर दो पे आता है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की यदि मैं बात करूं तो उसकी परिभाषा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व नंबर दो पे आपका आ रहा है।
तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की ये परिभाषा है कि किसी चालक के कुल पृष्ठ में उपस्थित, अर्थात किसी चालक के एकांक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। परिभाषा लिखना है कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना? तो सीधी सी बात यह है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। ये कहाँ से बना? जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई चालक है ये, और इस चालक में उपस्थित कुल आवेश है हमारा प्लस क्यू, और इसका क्षेत्रफल जो है वो मान लेते हैं कि हमारा ए है। तो अब हम बात करेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बराबर हो गया क्यू अपॉन ए, क्षेत्रफल को ए से, आवेश को क्यू से। तो ये आपका बनके तैयार हो गया सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। थर्ड पार्ट लेके आते हैं आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व की यदि मैं बात करूं तो वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो आप समझेंगे। थर्ड पार्ट आपका आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व की यह परिभाषा है कि किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यू होता है। वो कैसे, जरा देखेंगे कि किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यू होता है। तो आप देखेंगे वो कैसे कि आयतन आवेश घनत्व बराबर
घनत्व बराबर होता है कि कुल आवेश बटे कुल आयतन, ये आपका होता है। तो आयतन आवेश घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं रो से, कुल आवेश हमारा है क्यू, आयतन आपका हो गया वी। तो इसका मात्रक होता है कूलाम और इसका मात्रक होता है मीटर क्यू। तो आपका आयतन का वो आयतन आवेश घनत्व का मात्रक बन के तैयार हो गया कि कूलाम प्रति मीटर क्यू, और सूत्र बन के तैयार हो गया कि रो बराबर क्यू अपॉन बी। तो तीनों पार्ट आपके आगे आवेश घनत्व के। अब अगले पार्ट में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए